बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे F3 न्यूज के जुनैद शेख से, जो कि ABS पार्टी से कैंडिडेट बन के खड़े हैं, मम्मा देवी से। आइए हम बात करते हैं जुनैद भाई से। जुनैद जी, बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज ऐसा विधानसभा इलेक्शन में आपको टिकट जो है ABS से घोषित किया गया, इस बारे में बताइए। मैं तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गीता मैडम का, जिसने मुझ पर भरोसा किया, यकीन रखा क्या यूथ वाकई में कुछ कर सकती है। और अब देखना है, शुरुआत तो की है करियर में, पॉलिटिकल करियर ही मेरा शुरू हुआ है ABS पार्टी से। अब लड़ेंगे, देखेंगे कैसा होता है। जुनैद जी, जैसा कि कहीं लोग आते हैं MLA बन के और कहीं लोगों को वायदा करते हैं कि जीतने के बाद में मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो इस बारे में क्या बताना चाहोगे? सर, मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, नेताओं का काम ही है वादे करना। ये पब्लिक है, हमारी पब्लिक को अवेयरनेस रहना चाहिए, समझ रहना चाहिए क्या वादा इंसान एक बार धोखा खाएगा, दो बार खाएगा, तीसरी बार नहीं खाना चाहिए। हमारे 10 साल के हिस्ट्री आप ऑडिट उठा लो, पूछ लो हमारे MLA साहब से, 10 साल में मुंबा देवी के लिए, असेंबली के लोगों के लिए क्या किया है। और जहाँ तक रही बात हमारी, तो हम तो एक ही चीज़ कहते हैं सर, कि जो बोलेंगे वो करके देने की ताकत रखेंगे तो ही बोलेंगे। कोई झूठे बातें, कोई आसमान से तारे उतारने वाली बातें नहीं करेंगे। जो पॉसिबिलिटी है गवर्नमेंट के लॉस के नॉर्म्स के हिसाब से, लॉस के हिसाब से जो पार्टी सपोर्ट करके कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं वही करेंगे। और मैं एक चीज़ बोलता हूँ सर, 10 साल किसी को मौका दिए ना, एक बार आपके गली के लड़के को, गली के बच्चे को, घर के लड़के को, घर के बेटे को, मेरी तमाम बहनों से, भाइयों से, माओ से, डैडियों से रिक्वेस्ट है, एक बार भरोसा करके देखो। आपने 10 साल किसी पे भरोसा किया है, मैं तो आपका लोकल हूँ, कल को कुछ होगा तो आप मेरे पास डायरेक्ट आ सकते हैं। और हम ऐसे कोई मैनिफेस्टो आप हमारा देखोगे तो हमने कोई ऐसी बड़ी बड़ी शान वाली बातें ही नहीं करी है जो पॉसिबल नहीं है। मैंने वही किया हूँ जो मैं कर सकता हूँ, वही बोला हूँ। मेरी सब में पहले कोशिश ये रहेगी कि मैं पूरे मुंबा देवी के एरिए में स्कूल बस, चिल्ड्रेन स्टूडेंट जो स्कूल बस होती है स्कूलों के लिए, बस स्टैंड बनाऊँगा क्या सारे एज, फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे डोटाकी का जो एरिया है 100 मीटर 150 मीटर का, उसके बीच में एक बस स्टैंड होगा, एक रोड पे एक वो रोड पे पिकअप पॉइंट और बच्चे को छोड़ने का पॉइंट, तो सारे माँ बच्चे बच्चे लोग अपने बच्चे को वहाँ लेके आ सकते हैं। CCTV के अंडर रहेगा, सेफ्टी रहेगी बच्चे की। पहली कोशिश मेरी ये रहेगी, हर एरिए में स्ट्रीट के नाके पे बोर्ड लगाऊंगा क्या एक गली में किसी को घूमने की जरूरत नहीं, गली पे सारी ये गली में जितनी बिल्डिंग है सबके नाम उस पे लिखे रहेंगे। हर वार्ड में इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि हॉस्पिटल चालू कराऊँ, जितने भी बंद है रिन्यूड करके चालू कराऊँगा। हर अपने मुंबा देवी में बहुत सारे ग्राउंड है जो इसकी बहुत खस्ता हालत है, उसको अच्छा मॉडर्नाइज डेवलप करके रखेंगे अपन। हर वार्ड में फ्री जिम डालने की कोशिश रहेगी हमारी, कि हर वार्ड में फ्री जिम रहेगी हमारी यूथ के लिए। वुमेन सेफ्टी के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि वुमेन्स जो सेफ्टी है उसके लिए फ्री कोचिंग रखें सेल्फ डिफेंस के लिए, वो चालू करेंगे कि हमारी लेडीज़ को हम ये चीज़ सिखा दी कि भाई अगर अल्लाह ना खासा कुछ होता है तो खुद की सेल्फ सेफ्टी कैसा कर सके, ये रहेगा। तो और सब में मेन मुद्दा कि हम मुंबा देवी को ड्रग्स फ्री करेंगे। और ये चीज़ आपको लगती है कि इम्पॉसिबल है या कोई नेता चाहे तो नहीं कर सकता पावर में आने का, कर सकता है, बहुत ईजी चीज़ है, खाली दिल से करने की उम्मीद रहना चाहिए मेरे लोगों को। और सर, मैं सियासत करना है जो मैंने आज तक जो भी काम किया हो, इबादत के आप मेरे बड़े भाई हो, आपने देखे F3 न्यूज़ भी चालू करके 3 साल हुआ था, और जैसी मेहनत करे हमने इबादत की तरह मेहनत करे ना, उसमें कुछ ऐसा काला चोरी करे ना किधर नाम कोई बोल सकता है कि हाँ भाई F3 वाले ने फलाना कुछ गलत किया। तो पॉलिटिक्स सियासत में भी आने का ये मकसद है, अगर करेंगे तो इबादत की तरह करेंगे, धोखा देना हमारा काम नहीं है, हमारे अखलाक में नहीं है। बाकी हमारी मुंबा देवी की पब्लिक है, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, 10 साल कोशिश करे किसी और को लाके। और ये क्या पता, हमारे इधर एक मुंबा देवी में एक स्कीम है भाई, मुझे नहीं जिताओगे ना तो कोई और आ जाएगा, फलाना पार्टी आ जाएगी, फलाना पार्टी आ जाएगी। मैं बोलता हूँ ये डरा डरा के इनको इनको पता है मेरा कोई मेरे अगेंस्ट कोई खड़े रहने के काबिल नहीं है। मुंबा देवी की पब्लिक को मैं डराऊंगा, वोट डाल देंगे, आज तक डरा के वोट लिए, पर आज मैं वादा करता हूँ अगर मुंबा देवी की यूथ एक हो जाए, मैं चाहता हूँ कि यूथ रेवोल्यूशन आवे एक हो जाए, तो इंशाल्लाह जीत हमारी पक्की रहेगी सर, ये मेरा वादा है आपसे, अगर यूथ एक हो गई तो। दूसरी चीज़, अगर मौका दोगे तो इंसान प्रूव कर पाएगा जी, अगर एक के डरने से नहीं करोगे, उनको क्या, उनको पता है कि 10 साल मेरी, अभी आप देख लो 10 साल पहले सेंटर में भी होते स्टेट में भी होते फिर भी मुंबा देवी के लिए 5 साल कुछ नहीं किए थे, लास्ट के 5 साल सोचो, उससे पहले 5 साल थे ना खाली झूठे वादे, एक हॉस्पिटल खोल रहा हूँ, एक स्पेस खोल रहा हूँ, हॉस्पिटल के नाम पर 2 इलेक्शन जीत लिया, आज तक हॉस्पिटल ओपन नहीं हुआ, मैटरनिटी हॉस्पिटल कुरा भाई।
तो ये सबसे मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को, मेरी आवाम को अवेयरनेस लेके आऊँ क्या, तो और सवाल पूछने वाला बनाऊँ क्या? सवाल करो, तुम्हारा प्रतिनिधि अगर तुम चुन के लाते हो तो तुम्हारा राइट्स है कि उनसे सवाल पूछो। अगर आप जब तक सवाल पूछने वाले नहीं बनोगे, एडुकेट नहीं होंगे, हमको ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया जाएगा, हमें रोज़ नए नए वादे दिए जाएंगे और उस पर काम नहीं होगा। बस मेरा यही कहना है सर कि मैं अगर जो भी करूँगा पूरी ईमानदारी से करूँगा, और मुंबा देवी से रिक्वेस्ट है कि एक बार भरोसा करके देखें। जुनैद भाई, दूसरी बात ये कि डायरेक्ट एफ3 न्यूज से आपने विधानसभा इलेक्शन में जंप किए, इस बारे में क्या बताओगे? सर, F3 न्यूज़ एक माध्यम बन गया था मुंबा देवी के लोगों के लिए, साउथ मुंबई के लोगों का, जो अपनी तकलीफें, अपनी बात सही जगह पे पहुंचाने के लिए। तो मुझे लगा अगर हम आज तक तकलीफ़ की बात लोगों की ज़रिए से बातें पहुंचा रहे, तो हम खुद वो क्यों नहीं बन जाए कि लोग हमारे तक आए और हम सॉल्व करने वाले बन जाए। अल्लाह इस काबिल बना दे। तो हर चीज़ में आपको भी पता है सर, पावर होना बहुत ज़रूरी है। बिना पावर के हम भी कहीं ना कहीं जाके हेल्पलेस हो जाते हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि उनकी बात डायरेक्ट मेरे तक आए और मैं डायरेक्ट कनेक्ट हो जाऊँ उनसे। आज आपने भी सुना होगा कि आज SBUT जी बोरी मोहल्ले में काफ़ी लोगों के ऊपर जुल्म धार रही है, काफ़ी लोग जो है परेशान हो चुके हैं, और लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि उनको आगे उनका मकान जो है वो मिलेगा कि नहीं, और विदाउट पेपर्स के जो है लोगों को घर खाली कराया गया, और आज बीच में कहीं लोगों को जो है मार के निकाला गया दुकान से। तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सर, आपको भी पता है जो पावर में इसका सपोर्ट है हमारे MLA साहब का। अगर आप देखो, क्या आपकी भी नॉलेज से, मेरी भी नॉलेज से, कोई भी एक जनरल चीज़, क्या हमारे इलाके में अगर कुछ होगा तो MLA की नॉलेज में रहेगा? जी हाँ, तो MLA साहब को तो पता होगा ये सब हो रहा है। अभी मैं तो वो चीज़ में बहुत, SBUT आपको पता है किसका प्रोजेक्ट है, क्या प्रोजेक्ट है, हमने बहुत कोशिश करी हमारे माध्यम से, F3 न्यूज़ के माध्यम से। पर जब तक ऊपर से सपोर्ट रहेगा, जब MLA ही बीच में इंटरफेयर करने नहीं तैयार है, तो इंसान क्या कर सकता है सर? लेकिन MLA को तो उस वक्त पे मौजूद होना चाहिए था ना। सर वो पॉसिबल ही नहीं ना। अभी उनको पता है कि आऊँगा तो जवाब देना पड़ेगा, जनता सवाल पूछेगी, मेरे को जनता के सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो वो टाइम पे एब्सेंट रहते हैं, फिर लोगों को बोलते मैं क्या कर सकता हूँ। और सबको पता है क्या हो रहा है, कितना सेटअप हुआ है, किधर से किधर क्या चीज़ें हुई है, कौन ने किसके लिए सेटअप किया, सब पता है। पर मैं यही चाहता हूँ पब्लिक अवेयर हो जाए, अब तो अवेयर हो जाए, मस्जिदों के नाम पर, दरगाहों के नाम पर, वह क्या किया गया सबको पता है, MLA सबको भी पता है। पर क्या है, एक गुमराह करने की वो है, और लास्ट में डरा देते हैं। मैं अगर मेरे को नहीं लाओगे तो कोई और हो जाएगा। अभी थोड़े दिन बाद आपको ये भी अफवाह चलेगी, सुनाई देगी, वो जुनेद F3 न्यूज़ खड़ा है, खाली वोट वोट काटेगा, मेरे को बहुमती में वोट दो वरना सेना आ जाएगी, या ये आ जाएगा, फलाना आ जाएगा। तो ये बोल बोल के लोगों को डराएंगे। पर मैं वादा करता हूँ ये बार युद्ध अगर एक हो जाए ना सर, इनको इनकी सही जगह पता चल जाएगी। जैसा कि हमने जुनैद शेख से बात की F3 न्यूज़ वालों से, जो आज विधानसभा इलेक्शन में खड़े हैं, अब देखना यह है कि किसकी जीत और किसकी हार रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। बॉम्बे प्रेस के साथ अमजद पठान। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज ताज़ा खबरों के लिए।